एक 12th क्लास का क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, जो कि हमें प्रीवियस ईयर में मिला है एनसीईआरटी एग्जाम पलर का है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है। देखिए, इस फंक्शन को सबसे फर्स्ट आपको जो करना है वो वाई के इक्वल ले लेना है। जैसे ही आप इस फंक्शन को वाई के इक्वल लेंगे तो आपको ये फंक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स एंड बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स। ओके, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। करना ये है, लेट आपको यहाँ पर ये कर लेना है कि ए इज इक्व टू आर साइन थीटा मान लेना है, देन बी इज इक्व टू आर कॉस थीटा मान लेना है, और इन दोनों वैल्यूओं को आपको पुट कर देना है किस में, दिए गए क्वेश्चन में। ओके, देख लेते हैं। तो वाई इज इक्व टू जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा आपको टेन इनवर्स, ओके, टेन इनवर्स आर साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, माइनस आर, यहाँ पर आएगा ये थीटा माना था ना, तो यहाँ कॉस एक्स है तो ये एक्स आएगा भाई, क्या आएगा यहाँ पर, एक्स आएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा। ओके, यहाँ पर आपने माना था कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा आर कॉस थीटा साइन एक्स। ओके, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। डाउन में आपने देखा तो सिमिलर इसी तरीके से लगाएंगे कि ए इज इक्व टू आपका आएगा आर साइन थीटा, तो यहाँ लगाएंगे आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा और कॉस एक्स, ओके, प्लस आर साइन थीटा और साइन एक्स, ये वैल्यू हमें मिलेंगी। आपने क्या किया, इस पूरी वैल्यू में फॉर्मूले देखे, ये फॉर्मूले किस किस के बन रहे हैं। देखिए, आर ऊपर से कॉमन आएगा तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर अपॉन आर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जो बचेगा वो बचेगा साइन एक्स, यानी कि साइन थीटा कॉस एक्स, क्या बचेगा, साइन थीटा कॉस एक्स माइनस कॉस थीटा साइन एक्स। ओके, ये वाली वैल्यू बचेगी। डाउन में जो बचा वो बचेगा कॉस एक्स कॉस थीटा, क्या बचेगा, कॉस एक्स कॉस थीटा प्लस साइन एक्स साइन थीटा। ओके, ये वाली वैल्यू बचेगी। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर खत्म हो जाएगा। वाई इज इक्व टू टेन इनवर्स, यहाँ पर आपने देखा कि साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, यानी थीटा माइनस एक्स आप कर सकते हैं या एक्स माइनस थीटा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स माइनस थीटा कर लीजिए, थीटा माइनस एक्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये होता है कॉस ए कॉस माइनस बी का। तो हमें मोस्टली बात ये थी कि यहाँ पर हमें क्या बनाना था, टेन बनाना था। देखिए, साइन अपॉन कॉस टेन होता है सिंपल, जब हमने देखा कि ये साइन अपॉन कॉस टेन होता है तो मैंने यहाँ लिखा वाई इज इक्व टू टेन इनवर्स, और यहाँ पर आएगा टेन थीटा माइनस एक्स। ओके, क्या आएगा, ये वाली वैल्यू, टेन से टेन कैंसिल आउट होगा, आपको मिलेगा वाई इज इक्व टू थीटा माइनस एक्स। ओके, क्या मिलेगा, वाई इज इक्व टू थीटा माइनस एक्स। थीटा की वैल्यू आप रिवर्स रख लीजिए, थीटा की वैल्यू आपने एक बार रख लेनी है कॉस थीटा, सॉरी, थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो एक बार रख लेनी है बी अपॉन ए साइन थीटा और बी अपॉन ए जो के आपका कॉस थीटा। तो इस तरीके से दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। और डिफरेंशिएशन अगर ये हम एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं, डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं इसका, तो यहाँ देखिए आपको क्या मिलने वाला है, सिंपल सा फंडा है कि जब आप डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स करने वाले हैं तो यहाँ पर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है, एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है वन, क्या होता है, एक्स का क्या होता है, वन, और थीटा यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म है तो थीटा का हो जाएगा ज़ीरो, देन इसका हो जाएगा माइनस वन, क्या आएगा, माइनस वन। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्व टू जो आया वो होगा माइनस वन, दैट इज़ आंसर, क्या होगा, दैट इज़ आंसर। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन जो एनसीईआरटी सिलेबस से हो या अदर किसी रिफ्रेशर से आप कर रहे हो और आपको सॉल्व नहीं हो रहा हो, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भेज सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप भेज दीजिए 7500410322। इस नंबर पर व्हाट्सएप भेज सकते हैं, उसके क्वेश्चन का वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।